न्यूज की बात कर लेंगे। वॉर जोन से आ रही है हुती विद्रोहियों के एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इजराइल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। हुती विद्रोहियों ने इजरायली जहाजों पर हमले की धमकी दी थी, जिसके कुछ घंटों बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और ना ही उसमें कोई इजराइल का नागरिक सवार है। एक दिन पहले यमन के हुती विद्रोहियों ने 25 क्रू मेंबर वाले एक कार्गो जहाज पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। जानकारी के मुताबिक जब जहाज तुर्की से भारत आ रहा था, तब जहाज लाल सागर में था, तो इस पर हथियारबंद लोग चढ़ गए हैं और इसी को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला करार दिया है। और 240 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के बंधक बनाए गए 240 लोगों की रिहाई को लेकर सिर्फ अभी तक बातें हुई हैं। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर नई डील होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही नेतन्याहू के गुस्से ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल हमास की बहुत बड़ी डील। बंधकों की रिहाई का खुला रास्ता। सीज फायर के बदले हमास बंधक करेगा रिलीज। डील पर लगेगी नेतन्याहू की मोहर। पांच दिन के लिए इजराइल की बंदूकें होंगी खामोश। सीज फायर और बंधकों की रिहाई की डील के शोर शराबे के बीच ये बात नोट करने वाली है कि इजराइल अमेरिका की लीक पकड़कर नहीं चल रहा। युद्ध में हथियार भले ही इजराइल अमेरिका से मांगता है, लेकिन जमीन पर इजराइल के सैनिक ही लड़ रहे हैं। जब तक डील पर पूरी तरह मुहर नहीं लग जाए, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डील लगभग कंप्लीट है और उसकी कुछ शर्तें यूं हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 6 पन्नों में इजराइल हमास की डील की डिटेल दर्ज है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल 5 दिनों तक सीज फायर जारी रखेगा। शुरू में हमास 50 बंधकों को रिलीज करेगा, उसके बाद हर 24 घंटे पर 50 बंधक छोड़े जाएंगे। ये अस्थायी समझौता होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। हमास इस हिसाब से कितने बंधकों को कब तक रिलीज करेगा, इसकी कोई डिटेल नहीं है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने नहीं आ रही है कि इस डील के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है, तो वो कौन सी तारीख है। वॉशिंगटन पोस्ट ही नहीं, पश्चिम मीडिया के कई माध्यमों में इस डील की जोर शोर से चर्चा है और इसके साथ ये भी छपा है कि जो बाइडन ने आखिरकार इसराइल में बंधक बनाए 240 बंधकों की रिहाई का रास्ता खोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने हमास इसराइल डील की लोकेशन भी बताई। अमेरिका, इसराइल, हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में दोहा में डील फाइनल हुई है। ये डील अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये बता पाना मुश्किल है। इसकी तस्दीक इसराइल के गाजा पर तेज होते हमले कर रहे हैं। बंधकों के परिवार के लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर 20,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बंधकों को वापस लाने की मांग की, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने के बदले युद्ध विराम के किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, अभी किसी भी समझौते पर कोई सहमति नहीं हुई है और इस संबंध में बहुत सारी गलत रिपोर्ट्स प्रकाशित की जा रही हैं। हम गाजा पट्टी से सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना चाहते हैं और हम यथासंभव उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच युद्ध विराम पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद जो बाइडन प्रशासन ने किसी भी संभावित डील से इनकार किया है। जो बाइडन नेतन्याहू के हर उस कदम के साथ हैं जिसका मकसद है हमास के आखिरी आतंकी के जिंदा रहने तक इजराइल की तोपों का मुंह गाजा में खुला रहेगा।